गुड मॉर्निंग पेरेंट्स एंड माय डियर चिल्ड्रंस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी संस्था नवल एकेडमी द्वारा ऑनलाइन क्लास की सुविधा प्रदान की जा रही है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस इंग्लिश ग्रामर वर्कशीट फॉर क्लास फर्स्ट। आवर टॉपिक इज वॉवेल कंसोनेंट एंड यूज ऑफ ए एंड एन। लेट्स स्टार्ट। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, इन विच 5 लेटर्स आर वॉवेल्स एंड अदर रिमेनिंग लेटर्स आर कॉल्ड कंसोनेंट। These are vowels A, E, I, O and U. Exercise first, circle the vowels. अब हम क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, वॉवेल को सर्किल करेंगे। और आप पहले ही जान चुके हैं कि A, E, I, O and U क्या होते हैं, आपके वॉवेल्स होते हैं। फर्स्ट लाइन में हम सर्किल करेंगे वॉवेल्स को। X, X is not vowel, this is consonant. U, U is vowel, so we will circle U. V, V is not consonant, this is vowel. This is not vowel, this is consonant. E, E is vowel. G, not E, vowel. I, vowel. R, not vowel, this is consonant. N, not vowel, U, vowel. A, vowel. C, not vowel. Y, not vowel. I, vowel. O, vowel. V, not. M, not vowel. P, not vowel. F, not vowel. A is vowel. O, vowel. जितने भी आपके vowels साउंड वाले वर्ड्स दिख रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, सर्किल कर रहे हैं। पी भी आपका क्या है, वॉवेल नहीं है। यच भी आपका क्या है, वॉवेल नहीं है। टी भी नहीं है, यल भी नहीं है। फिर आपका ये क्या है, ये आपका वॉवेल है। जेड आपका वॉवेल नहीं है, क्या है ये, कॉन्सोनेंट है। यू आपका क्या है, वॉवेल है। तो इसको हम क्या करेंगे, सर्किल करेंगे। फिर एक्सरसाइज सेकेंड, सर्किल द वॉवेल इन फॉलोइंग वर्ड्स। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से आपको क्या करना है, वॉवेल लेटर को सर्किल करना है। नाउ वी सर्किल वॉवेल, ए इज वॉवेल, सो वी विल सर्किल इट। ई सर्किल, फिर इस लेटर में क्या आपका, ई वॉवेल है तो इसको सर्किल करेंगे। फिर इस लेटर में आपका क्या है, ए वॉवेल है तो इसको सर्किल करेंगे। फिर कैट में क्या है आपका, सी ए टी कैट, कैट में आपका ए क्या है, वॉवेल है, इसको हम सर्किल करेंगे। ये हमारा हो गया वॉवेल। सेकेंड कॉन्सोनेंट, दीज रिमेनिंग वर्ड्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। एक्सरसाइज सर्किल द कॉन्सोनेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम सर्किल को क्या करेंगे, हम कॉन्सोनेंट को सर्किल करेंगे। एक्स कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट, U, U is vowel. L consonant, C consonant, E vowel, A vowel, P consonant, A vowel, O vowel, P consonant, I vowel, E consonant, I vowel. Use of A and N. We use N before words that started with A vowel sound and A before words that started with A consonant sound. क्या यहाँ पे N का प्रयोग, जहां पे vowel होते हैं वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, जहां पे vowel sound होते हैं वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, N का प्रयोग करते हैं। और जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। फर्स्ट है आपका एप्पल, तो ए जो है आपका ये क्या है, ये जो है आपका ये क्या है, आपका वॉवेल साउंड है। तो जैसा कि आपने देखा कि वॉवेल साउंड में क्या होते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे एन का, एन लिखेंगे हम। फिर दिस इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू क्या है, वॉवेल साउंड है, तो यहां पे हम किसका यूज करेंगे,
एन का। दिस इज ट्री, टी कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, सो वी विल फिल ए। बुक, बी 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 डबल बुक, कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी विल फिल ए। आइसक्रीम, आइसक्रीम आई इज वॉवेल साउंड, सो वी विल फिल एन। बॉल, बी ए डबल एल बॉल, बॉल बी इज कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी विल फिल ए। थैंक यू एंड सॉरी। एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रेंस, राइट ए आर एन बिफोर दीज वर्ड्स केयरफुली। इन लेटर्स मतलब आपको इन लेटर्स के मतलब आगे क्या करना है, ए और एन फिल करना है कि यहाँ पे ए लगेगा कहाँ पे एन लगेगा। आप वॉवेल और कॉन्सोनेंट को ध्यान से देखते हुए फिल करेंगे और फिल करके क्या करेंगे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे सेंड करेंगे। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।